वही ढाक के तीन पाक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दूसरा मौका मिलने के बावजूद इमरान खान ने खातून जज को धमकी पर मुआफी ना मांगी। माजरत के बगैर नया जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा, गैर इरादी तौर पर अदा किए गए अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अल्फाज पर पछतावे का इजहार करने में शर्म महसूस नहीं होगी। तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस की समाप्त कल होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुलजिम इमरान खान को एक और मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 12 सितंबर की डेडलाइन दे दी। शरीक मुलजिम असद उमर और फवाद चौधरी से भी 12 सितंबर को जवाब और दलाइल तलब कर लिए। पीटीआई इलेक्शन कमीशन से जवाब जमा कराने के लिए दो बार मोहलत मांग चुकी। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ अवाम को भी देखने की इजाजत। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में नई रिवायत कायम कर दी। तहाइफ अवाम को दिखाने का एहतमाम करने की हिदायत। कहा, लोग दोस्त ममालिक की पाकिस्तान से मोहब्बत बारे आगाह होंगे। वजीर आजम ने कीमती कलम, अंगूठी, बटन और खुशबू के तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए। मंछर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों ने तबाही मचा दी। 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात जेरियाब आ गए। कई मकामात पर लोग पानी में फंस गए। रेलों ने इंडस हाईवे को डबो दिया। दादू लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से राबता कट गया। सेवन टूल प्लाजा से रुकावटें लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोहनजोदड़ो में सैलाबी रेलों से बड़ी सड़कें बंद। लोग दोहरी अजियत में मुब्तला। बस्तियां उजाड़ता सैलाब सिंध में आकर बस ही गया। सैकड़ों देहात तबाही की तस्वीर बन गए। कंडो घोट के बरूही गांव में भी घरों के घर तबाह, माल मवेशी बह गए। कई फिट पानी जमा। नवाबशाह के इलाके खड्डर में रैले ने घरों को खंडर बनाकर छोड़ा। मटियारी में पानी का खराज ना होने से मकीन परेशान। कंबर शहदाद कोट में बदतरीन सूरत हाल। गादी खावड़ शहर का वार और मेहर से जमीनी राबता मुनकता। सैलाब के बाद बहाली अरबों नहीं खरबों का काम है। मुतासरीन की बहाली में वक्त लगेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज है। वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के दौरे में गुफ्तगू। कहा, चंद रोज में 2 लाख खेमे भी आ जाएंगे। टांग में 100 घरों के मंसूबे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का मुतासरीन की मदद करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा, सैलाब से बचने के लिए छोटे डैम जरूरी है। बारिशों और सैलाब के बाद 601 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। 11,558 लोग वो जख्मी हुए हैं। 11,95,123 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कैसे एक इंसान इतना बेहस हो सकता है कि उसको ये एहसास नहीं है कि उसकी अपनी कौम इस वक्त कोई डूब रही है। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सोशल मीडिया की कैंपेनों पर मुल्क के इदारों के खिलाफ। अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं मुल्क के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर। कौम को पता नहीं है कि ये शख्स इस वक्त किस एजेंडा पे काम कर रहा है, कितने घिनौने एजेंडा पे काम कर रहा है। तो ये वो शख्स है जो कि सिर्फ झूठ बोल रहा है। मजीद बारिश हुई तो सूरतेहाल बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, सिंध में बारिशों और सैलाब से 601 अफराद इंतकाल कर चुके। जुज़वी तौर पर 11,95,000 मकानों को नुकसान पहुँचा। कोटली बैराज से सबसे ज्यादा पानी गुजर रहा है। मुतासरीन इदारों की तरफ देख रहे हैं। क्या कोई इन हालात में स्टेज पर नाच गाना कर सकता है? सैलाब के बाद बहाली अरबों नहीं खरबों का काम है। मुतासरीन की बहाली में वक्त लगेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज है। वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के दौरे में गुफ्तगू। कहा, चंद रोज में 2 लाख खेमे भी आ जाएंगे। टांग में 100 घरों के मंसूबे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का मुतासरीन की मदद करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा, सैलाब से बचने के लिए छोटे डैम जरूरी है। बारिशों और सैलाब के बाद 601 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। 11,558 लोग वो जख्मी हुए हैं। 11,95,123 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कैसे एक इंसान इतना बेहस हो सकता है कि उसको ये एहसास नहीं है कि उसकी अपनी कौम इस वक्त कोई डूब रही है।
अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सोशल मीडिया की कैंपेनों पे, मुल्क के इदारों के खिलाफ अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं मुल्क के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे। कौम को पता नहीं है कि ये शख्स इस वक्त किस एजेंडा पे काम कर रहा है, कितने घिनौने एजेंडा पे काम कर रहा है। तो ये वो शख्स है जो कि सिर्फ झूठ बोल रहा है। मजीद बारिश हुई तो सूरत हाल बहुत नुकसानदेह साबित होगी, वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सिंध में बारिशों और सैलाब से 601 अफराद इंतकाल कर चुके, जुज़वी तौर पर 11,95,000 मकानों को नुकसान पहुंचा। कोटली बैराज से सबसे ज्यादा पानी गुजर रहा है, मुतासरीन इदारों की तरफ देख रहे हैं, क्या कोई इन हालात में स्टेज पर नाच गाना कर सकता है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर, लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाप्त करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू शामिल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैप को वापस भेज दिया गया, जज ने कहा कि केस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता। इमरान खान के पिशावर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रडार पर आ गई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने इमरान खान, महमूद खान और तहमूद झगड़ा को 9 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान ने आज चिश्तियां में मैदान लगाया, दावा किया कि ये हमारी जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मर्जी कर लो तुम्हें शिकस्त होगी। डॉलर की उड़ान जारी, इंटरबैंक में डॉलर का भाव 2 रुपए बढ़कर 223.42 रुपए हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी इस हफ्ते 4.5 रुपए महंगी हो चुकी, ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 234 रुपए का हो गया। गरीब से रोटी का नवाला भी छीनने की तैयारियां, 20 किलो आटे का थैला 660 रुपए महंगा करने की तजवीज, कीमत 980 से बढ़कर 1,640 रुपए हो जाएगी। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स के लिए गंदम की कीमत 1,765 से बढ़ाकर 2,690 करने का मशवरा दे दिया, हुकूमत को पॉलिसी पर नजरसानी की दरखास्त। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरामी झूठ निकली, गरीब मरीज अद्वियात न मिलने पर एड़ियां रगड़ने लगे। वजीर आला ने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने का वादा किया था, इलाज के लिए आने वाले मरीज पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर की बोतलें भी 10 से 20 रुपए तक महंगी, रेगुलर हाफ लीटर, 1.5 लीटर, टिन पैक और पानी की बोतलों की कीमत बढ़ गई। 1.5 लीटर बोतल 130, जंबो बोतल 170 रुपए की हो गई, कैन की कीमत 70 रुपए तक जा पहुंची।